नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस वक्त वो चित्रकूट में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में हमारे साथीगण, यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यगण, केंद्र में मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान कैलाश चौधरी जी, और चित्रकूट की इस पवित्र धरती पर भारी संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चित्रकूट में राम जी अपने भाई लखन और सिया जी के साथ इतई निवास करत है, जासे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपोस्थली में आप सभी को अभिनंदन करत हो। इतई बहुत सारे वीरन ने जन्म लाओ है, कर्मभूमि बनाओ है, उन्हें भी हमाओ नमन। भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैंने हेलीकॉप्टर से देखा कि जितने लोग अंदर है उससे ज्यादा लोग बाहर है। वे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। ये असुविधा के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आने का मतलब है कि विकास की योजनाओं के प्रति आपका कितना गहरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़। आज आप सभी को देखकर, आपके इस सेवक को भी कुछ कुछ ऐसी ही अनुभूति हो रही है। चित्रकूट सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि भारत के पुरातन समाज जीवन की संकल्प स्थली और तपस्थली भी है। इस धरती ने भारतीयों में मर्यादा के नए संस्कार गढ़े हैं। यहां से भारत के समाज को नए आदर्श मिले। प्रभु श्री राम आदिवासियों से, वन्य प्रदेश में रहने वालों से, दूसरे काम से जुटे साथियों से कैसे प्रभावित हुए थे, इसकी कथाएं अनंत है। साथियों, भारत पुरातन परंपराओं को बदलते हुए समय की आवश्यकताओं के साथ पिरोकर उन्हें जीवंत रखने के प्रयोग भी इसी धरती पर हुए। भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने यहीं से भारत को स्वावलंबन के रास्ते पर ले जाने का व्यापक प्रयास शुरू किया था।
दो दिन पहले ही नानाजी को उनकी पुण्यतिथि पर देश ने श्रद्धापूर्वक याद किया है। भाइयों और बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के लिए जिस संकल्प को लेकर नानाजी ने अपना जीवन जिया, उसको साकार करने वाली हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुरुआत आज चित्रकूट की पवित्र धरती से हो रही है। बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा ही। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेस वे यहां रोजगार के हजारों अवसर तैयार करेगा और यहां के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों उनके जैसी सुविधा से जोड़ेगा। थोड़ी देर पहले ही यहां देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अब किसान फसल भी बोएगा और कुशल व्यापारी की तरह मोल भाव करके अपनी उपज का सही दाम भी प्राप्त करेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, इस कार्यक्रम के बाद आप तुरंत जाने की जल्दी मत करना। यहां पर देश भर में जो सफल FPO है उनकी प्रदर्शनी लगी है, मैंने आज उस प्रदर्शनी को देखा। हमारे किसान कैसा अद्भुत काम कर सकते हैं, मेरा सीना चौड़ा हो गया देख करके। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप जरूर देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने अपने अपने राज्य में FPO के द्वारा कितनी बड़ी कमाल करके रखी हुई है। भाइयों बहनों, इस पूरे अभियान पर आने वाले 5 वर्षों में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जो किसानों की भलाई के लिए है। इन सभी विकास योजनाओं के लिए खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों को, बुंदेलखंड के नागरिकों को, आप सभी को और विकास की इस दौड़ में बुंदेलखंड के शामिल होने पर पूरे देश को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में किसानों से जुड़ी जो नीतियां थी उन्हें हमारी सरकार ने निरंतर नई दिशा दी है, उसे किसानों की आय से जोड़ा है। सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान की लागत घटे, उत्पादकता बढ़े और
उपज के उचित दाम मिले। इसके लिए बीते 5 वर्षों में बीज से बाजार तक अनेक फैसले लिए गए हैं। एमएसपी का 1.5 गुना करने का फैसला हो, सॉयल हेल्थ कार्ड हो, यूरिया की 100% नीम कोटिंग हो, दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान हो, हर स्तर पर सरकार ने काम किया है। किसानों की आय बढ़ाने की अहम यात्रा का आज भी एक अहम पड़ाव है। आज ही यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 1 वर्ष पूरा होने का समारोह भी मनाया जा रहा है। मुझे याद है कि 1 वर्ष पहले जब इस योजना को लॉन्च किया गया था को किस तरह की आशंकाएं पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतने कम समय में देश के करीब 8.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। चित्रकूट सहित पूरे यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में भी करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ 1 वर्ष में, और वो भी सीधे बैंक खाते में, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में रुपया जमा हो गया। साथियों, आपने बीते दशकों में वो दिन भी देखे हैं जब बुंदेलखंड के नाम पर, किसानों के नाम पर हजारों करोड़ के पैकेज घोषित होते थे, लेकिन किसान को उसका लाभ नहीं मिलता था। अब देश उन दिनों को पीछे छोड़ चुका है। अब दिल्ली से निकलने वाली पाई पाई उसके हकदार तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज किसान सम्मान निधि योजना के दायरे को और विस्तार दिया गया है। अब जो इस योजना के लाभार्थी हैं उनको बैंकों से आसान ऋण भी मिले, इसके लिए सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। हमारे गरीब किसान को, छोटे किसान को साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े, उनको ब्याज के चुंगाल से मुक्ति मिले, ऐसा बहुत बड़ा काम एक किसान क्रेडिट कार्ड से होने वाला है। बैंक से मिलने वाले सस्ते और आसान कर्ज के कारण अब ऋण के लिए आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। भाई और बहनों, कोशिश ये है कि जितने भी साथी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ा जाए। अभी करीब
पौने दो करोड़ लाभार्थी इससे वंचित है। इस गैप को भरने के लिए इसी महीने 15 दिन का एक विशेष अभियान भी चलाया और जिससे 40 लाख से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़ा गया। इनमें से कुछ साथियों को थोड़ी देर पहले यहां कार्ड भी सुपुर्द किए गए हैं। भाइयों और बहनों, जो साथी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, उनको पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम जीवन सुरक्षा बीमा, इन दोनों बीमा योजना से भी जोड़ा जा रहा है। इससे किसान साथियों को मुश्किल समय में 2 लाख रुपए तक की बीमा राशि सुनिश्चित हो जाएगी। साथियों, हाल में सरकार ने एक और बड़ा फैसला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित लिया है। अब इस योजना से जुड़ना स्वैच्छिक कर दिया गया है। पहले बैंक से ऋण लेने वाले किसान साथियों को इससे जुड़ना ही पड़ता था, लेकिन अब ये किसान की इच्छा पर निर्भर है। अगर वो जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, जुड़ना न चाहे तो वो अपने आप को बाहर रख सकता है। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला भी इसलिए लिया गया है क्योंकि अब खुद से ही इस योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस योजना से जुड़ना इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के बदले किसानों के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के बदले में 3 साल में किसानों को 56,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि मिल चुकी है। 13,000 करोड़ के सामने 56,000 करोड़, यानी संकट के समय ये योजना एक तरह से किसानों के लिए वरदान है। साथियों, इस वर्ष के बजट में भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसका लाभ किसानों को होगा। किसान की आय बढ़ाने के लिए एक 16 सूत्रीय कार्यक्रम 16-point प्रोग्राम बनाया गया है। गांव में भंडारण के लिए आधुनिक भंडार गृह बने, पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बने, पशुओं के लिए उचित मात्रा में चारा उपलब्ध हो, इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है। इसके अलावा गांवों से किसानों और पशुपालकों के फल, सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान को सुरक्षित मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसान रेल, हमारे देश में पहली बार किसान रेल जैसी सुविधा की घोषणा भी की गई है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में ग्रामीण बाजारों का ये गांव की स्थानीय मंडियों को होलसेल मार्केट और ग्लोबल मार्केट तक जोड़ा जाना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए सरकार ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट के विस्तार पर काम कर रही है। देश में 22,000 ग्रामीण हाटों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि किसान को उसके खेत के कुछ किलोमीटर के दायरे में ही एक ऐसी व्यवस्था मिले जो उसे देश के किसी भी मार्केट से जोड़ दे।
आने वाले समय में ये ग्रामीण हाट कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे। यही कारण है कि ग्रामीण मंडियों को बड़ी मंडियों यानी एपीएमसी और फिर दुनिया भर के मार्केट से जोड़ा जा रहा है। कोशिश यह है कि हमारे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। इसी कोशिश का परिणाम है कि यूपी सहित देश भर के हजारों ग्रामीण हाटों को एपीएमसी और ईनाम से जोड़ा जा रहा है। ये ईनाम प्लेटफॉर्म यानी कि राष्ट्रीय मंडी जिसमें मोबाइल फोन या कंप्यूटर से ही किसान अपनी उपज पूरे देश में कहीं पर भी बेच पा रहा है, ये तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यूपी में भी 100 से अधिक मंडियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी है। अभी तक इस राष्ट्रीय मंडी में पूरे देश में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का व्यापार हो चुका है। किसानों ने 1,00,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया है, टेक्नोलॉजी की मदद से किया है। साथियों, समूह से शक्ति मिलती है और इसी सामूहिक शक्ति से किसान भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए अब किसानों की सामूहिक ताकत का उपयोग किया जाएगा। आज चित्रकूट में जो नए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इसकी शुरुआत हुई है, उसके पीछे भी यही भावना है। ये विशेष तौर पर देश के लिए उन छोटे और सीमांत किसानों के हित में है जिनकी संख्या देश में सबसे अधिक है। एक किसान परिवार के बजाय जब गांव के अनेक किसान मिलकर बीज से लेकर के बाजार तक की व्यवस्थाओं से अगर वो जुड़ेंगे तो उनकी क्षमता निश्चित रूप से अधिक होगी। अब जैसे सोचिए, जब गांव के किसानों का एक बड़ा समूह इकट्ठा होकर खाद खरीद देगा, उसे ट्रांसपोर्ट करके लाएगा, तो पैसे की कितनी बचत होगी। इसी तरह ज्यादा खरीद में डिस्काउंट भी अधिक तक मिलेगा। फसल तैयार हो गई, मंडी ले जाने का समय आया, तब भी आपकी सामूहिकता ज्यादा काम आने वाली है। मंडी में व्यापारी कारोबारी के साथ आप अधिक प्रभावी तरीके से बातचीत कर पाएंगे, अच्छे से मोलभाव कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, बीते कुछ सालों में इन एफपीओ की सफलता से प्रोत्साहित कर ही इनका अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है। किसानों और उत्पादकों के इन समूहों के माध्यम से कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए भी व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अब जैसे आलू हो या फिर यहां जंगलों से मिलने वाले दूसरे उत्पाद हो, उनकी कीमत कम होती है, लेकिन अगर उनके चिप्स बनाकर मार्केट में अच्छी पैकेजिंग के साथ उतारे जाए तो कीमत ज्यादा मिल जाती है। जब आप यहां प्रदर्शनी देखने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे बाजार से अच्छी कमाई की जा सकती है। ऐसे ही उद्योग इन एफपीओ के माध्यम से लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक एफपीओ को 15,00,000 रुपए तक की मदद, प्रत्येक एफपीओ को 15,00,000 रुपए तक की मदद, इसका प्रावधान भारत सरकार ने किया है। जैसे यहां योगी जी की सरकार ने
एक जनपद एक उत्पाद की योजना चलाई है, उसके साथ भी इन संगठनों को जोड़ा जा रहा है। सरकार ने यह भी तय किया है कि आदिवासी क्षेत्रों और चित्रकूट जैसे देश के 100 से ज्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में एफपीओज को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ का गठन जरूर किया जाए। आदिवासी क्षेत्रों की वन उपज में वैल्यू एडिशन को इससे बल मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा बहने इन संगठनों से जुड़े, ये भी प्रयास किया जा रहा है। साथियों, बुंदेलखंड सहित पूरे भारत को जिस एक और अभियान का व्यापक लाभ मिलने वाला है वो है जल जीवन मिशन। अब देश का एक एक जन भारत को जलयुक्त और सूखा मुक्त करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले 5 वर्ष में देश के लगभग 15 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के लिए काम तेजी से शुरू हो चुका है। इसमें भी प्राथमिकता आकांक्षी जिलों को दी जा रही है। ये योजना ऐसी है जिसका संचालन आपको ही सबको करना है, हर गांव के लोगों ने मिलकर के करना है। सरकार पैसे आपके हाथ में दे देगी, फंड आपके हाथ में दे देगी, कारोबार आपको करना है। कहां से पाइप जाना है, कहां पानी को इकट्ठा किया जाएगा, उनका रखरखाव कैसे होगा, ये गांव के ही लोग मिलकर के तय करेंगे। हमारी बहनें उसमें भूमिका बहुत बड़ी अदा करेगी। यही स्वावलंबन है, यही गांव के सशक्तिकरण की भावना है, यही गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना है। और इसी उद्देश्य के लिए नानाजी देशमुख ने अपना जीवन समर्पित किया। साथियों, यूपी के किसानों को, व्यापारियों, उद्यमियों का तेज विकास यहां की कनेक्टिविटी पर भी निर्भर है। इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार एक प्रकार से एक्सप्रेस गति से काम कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, या फिर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे, ये यूपी में कनेक्टिविटी तो बढ़ाएंगे ही, रोजगार के भी अनेक अवसर तैयार करने वाले। पहले एक्सप्रेसवे सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते थे, अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, ऐसे ऐसे इलाके के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेसवे का लाभ उठा पाएंगे। करीब 300 किलोमीटर की आधुनिक सड़क जब तैयार हो जाएगी तो आप बहुत कम समय में सीधे लखनऊ और दिल्ली पहुंच पाएंगे। भाइयों और बहनों, ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां नए उद्यमों को वो विकसित करेगा। ये संयोगी है कि पिछले साल फरवरी में ही झांसी में यूपी डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करने मुझे उसका सौभाग्य मिला था, यहां आने का अवसर मिला था। और इस साल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो रहा है। इस साल के बजट में यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए 3,700 करोड़ रुपए का
प्रावधान किया गया है। इन दोनों योजनाओं का आपस में गहरा नाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यूपी डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। साथियों, एक समय में ये क्षेत्र भारत की आजादी के क्रांति वीरों को पैदा करता रहा है और आने वाले समय में ये भारत को युद्ध के साजो सामान से आत्मनिर्भर बनाने वाले क्षेत्र के रूप में भी जाना जाएगा। बुंदेलखंड का ये क्षेत्र मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। यहां बड़ा साजो सामान पूरे विश्व में निर्यात भी होगा। जब यहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएगी तो आसपास के छोटे और लघु उद्योगों को भी व्यापक लाभ होगा, यहां के किसानों को भी लाभ होगा। इस तरह रोजगार के अभूतपूर्व अवसर यहां बनेंगे और हर परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी। भाइयों और बहनों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, यहां के पर्यटन उद्योग का, उसको भी इसके कारण बहुत लाभ होगा। चित्रकूट में तो प्राकृतिक सौंदर्य भी है और आध्यात्मिकता का भी गहरा वास है। प्रभु राम के चरण जहां जहां पड़े उनको जोड़कर रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। चित्रकूट इसका एक अहम पड़ाव है। रामायण सर्किट के दर्शन देश और दुनिया के श्रद्धालु कर सके, इसके लिए रामायण एक्सप्रेस नाम से विशेष ट्रेन भी चलाई जा रही है। आने वाले समय में जब यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा तो यहां श्रद्धालुओं की आवाजाही भी अधिक होगी, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर यहीं पर उपलब्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि चित्रकूट से, बुंदेलखंड से पूरे यूपी, पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी। तब तपस्या और तेज की ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बने, इसी कामना के साथ इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को, आप सभी को विकास योजनाओं की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे किसान भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और अब बुंदेलखंड सिर्फ अपना नहीं, भारत का भी भाग्य बदलने के लिए तैयार हो रहा है। इस खुशी के लिए मैं आप सबको बधाई देते हुए मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज आपने देखा होगा डिफेंस कॉरिडोर, ये जय जवान और एफपीओ की शुरुआत, जय किसान, जय जवान जय किसान के मंत्र के साथ बुंदेलखंड आगे चल पड़े, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।